हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है कि उड़ने वाले कबूतर के लिए दाना क्या बनाए। ठीक है, क्या दाना देना चाहिए उड़ने वाले कबूतर के लिए, आज वही चीज बता रहा हूँ। दाना बना के दिखा रहा हूँ भाई कि दाना क्या दाना बनाना है अपने कबूतरों के लिए जो उड़ने वाले कबूतर है। ठीक है, जोड़े वालों का पिछली वीडियो में बता दिया था भाई, ये उड़ने वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो भाई उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। भैया देखिए, जैसे कि अभी मान लो सभी कबूतर हमारे बंद है और बच्चे बच्चे जो है उन्हें हिला हिलू के सभी आदमी पैक करेंगे अभी, क्योंकि गर्मियों के लिए जो होंगे वो अब के बच्चे पट्टे बनेंगे। और उन्हें पट्टा बनाने के लिए भी भाई दाना अच्छा खिलाओ। ठीक है, बीमारी से बचा के रखो, दाना अच्छा खिलाओ, तो कबूतर बीमार जब नहीं होगा आपका, ये समझ लो 101% वो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा आगे चल के। जो आपके टूर्नामेंट बाजी वगैरह हैं उनमें अच्छी आपको रिजल्ट आएगा उनका, जब आप अभी से उनकी अच्छी तैयारी रखोगे, अच्छे से उन्हें दाना दोगे, अच्छे से उनकी देख रेख करोगे, तो भाई बहुत अच्छे से आपके कबूतर इंशाल्लाह आगे चल के आपको रिजल्ट भी देंगे। ठीक है, तो आज उसी के लिए दाना बना रहे हैं भाई, और वही आपके साथ में शो कर रहा हूँ कि दाना क्या बना रहे हैं। ठीक है भाई, क्वान्टिटी आप नोटिस कर लेना, एक पर्चा ले लेना भाई, इस पे लिखते रहो जो क्वान्टिटी बोलूँ उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो भाई देखिए, नंबर एक सबसे पहले हमने इसमें लिया है बाजरा। बाजरा भाई बढ़िया वाला बाजरा लेना है आपको, अच्छा वाला। ठीक है, ये 10 kg बाजरा है भाई इसमें। ठीक है ना, 10 kg बाजरा है। उसके बाद आ जाता है भाई सोयाबीन का दाना, जो बीज। ठीक है, सोया का दाना बोल देना, इसी के नाम से मिल जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, अगर किसी भाई ने ना देखा हो भाई जाके देख लें, जो जोड़े वाले कबूतरों का दाना बताया उसी में मैंने दिखाया भी है। ठीक है ना भाई, ये लेना है आपको मात्र 1 kg। ठीक है, 10 kg बाजरे में 1 kg लेना है भाई ये बस। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है अखला। ठीक है, अखला भी भाई जोड़े वाले वीडियो में बताया है, मैंने दिखाया भी है, उसी तरीके से आप देख लेना और लेके आ जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अखला लेना है भाई आपको मात्र 750 ग्राम ले लो, 800 ग्राम ले लो बस। ठीक है, या 1 kg ले लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 750 ग्राम परफेक्ट है भाई, इससे ज़्यादा मत लो मेरे हिसाब से। ठीक है, हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, मगर ये है, ये गर्म होता है, कबूतर को सर्दी से ऑटोमेटिकली बचा के रखेगा आपके। ठीक है ना भाई, तो 3 आइटम ये हो चुके हैं। और चौथा आइटम जो इसमें भाई, चना जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़े वाले में डाला था, ये वाला चना, ये दलावा चना जो भाई एक्स्ट्रा डाला था मैंने जोड़े वाले कबूतरों में, ये इसी में भी डाला है मैंने। ठीक है भाई, इसमें मात्र 1.5 किलो डाला है मैंने एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, 4 आइटम इसके अंदर हो चुके हैं। 5वां आइटम आपको लेना है इसके अंदर मूंग की दाल, ये भाई 1.5 किलो ले लेना आप। ठीक है, 1.5 किलो मूंग की दाल लेनी है। हालांकि मूंग बोलते हैं इसे, क्योंकि दाल तो दली भी हो जाती है भाई, ये साबुत मूंग है। 1.5 किलो ये लेनी है, 10 किलो बाजरे के साथ में बता रहा हूँ भाई मैं आपको, ये जो भी आइटम बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद भाई 1.5 किलो, 1 किलो 1.5 किलो ये चना ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों के लिए हो भाई। भाई ये देखिए, इसके अंदर भी 6 आइटम हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो ज्वार और मक्का नहीं लिया, जो कि जोड़े वालों में हमने डाली है, वो इसके अंदर नहीं लिया है हमने, ना ज्वार लिया ना मक्का लिया। ये उड़ने वाले कबूतरों को मत देना, ये सिर्फ जो दाना हमने बनाया है यही आप बनाना। ठीक है भाई, और एक रिक्वेस्ट हो रहा है सभी भाइयों से, ज़्यादा दाना ना बनाए उड़ने वालों का,
क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो जो अब जनवरी और फरवरी के भी 10 तारीख तक ही मान लो आप, बस ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद इसमें चेंजिंग होगी दाने में, ठीक है ना भाई, क्योंकि उसके बाद परपिटाई वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी लोगों की, तो फिर परपिटाई वाला दाना चलेगा जो परपिटाई में देते हैं वो दाना चलेगा, इसमें कुछ दाने की तब्दीली हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये देखो बहुत थोड़ा सा आइटम लिया और गेहूँ इसके अंदर भी नहीं डाला है हमने, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया उसमें भी गेहूँ नहीं डाला है, इसमें भी गेहूँ नहीं डाला है, इसमें हम गेहूँ की जगह वही सेम टू सेम कर रहे हैं जो हमने जोड़े वालों में करा था पहले, जो पिछली वीडियो में बताया था हमने, उड़ने वालों का दाना ये बचा रखा है भाई, वही चीज हम इसमें ऐड कर देंगे, तो उसी में जो दाना है वही दाना आ जाएगा, ठीक है भाई। ये भाई अब से पहले का जो दाना बना हुआ था उड़ने वाले कबूतरों का, ये वो दाना है, वो दाना इसमें ऐड ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस दाने में हमने जो पहले डाला हुआ था वो चीज देख लीजिए आप, देखो भाई ये देखिए भाई, इसके अंदर चना है, मूंग है और गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, ये आइटम हमने इसमें पहले डाले हुए थे। तो भाई ये देखिए, जैसे कि इस दाने के अंदर हमने पहले 4 आइटम मिलाए हुए थे, जैसे कि गेहूं, बाजरा और चना और मूंग, ठीक है। अब जो आइटम हमने बनाया है उसके अंदर आइटम 7 हो चुके हैं, चना, दला हुआ चना, सोया का बीज, अखला, मूंग, बाजरा, गेहूं, ठीक है भाई। इसके अंदर जो 7 आइटम हमारे हो चुके हैं, और जो हमने जोड़े वाला बताया था भाई पहले, उसमें 9 आइटम थे, उसमें एक मक्का और ज्वार उसमें फालतू थी, इसमें हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि मक्का उड़ने वाले कबूतरों को नहीं दी जाती भाई बिल्कुल भी, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, ये हमेशा याद रखना भाई, कभी भी एनी टाइम मक्का नहीं दी जाती है उड़ने वाले कबूतरों के लिए, ये सिर्फ जोड़े वालों के लिए होती है, जो अंडे बच्चे कर रहे होते हैं उन्हीं के लिए होती है, ठीक है भाई। तो ये 7 आइटम कर दिए हमने पहले, इसमें हमारे 4 आइटम थे, अब 7 हो चुके हैं, 3 और इसमें एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ठीक है ना भाई। तो यही दाना अब हम इसमें ऐड कर देंगे, अब भाई देखिए इसमें एक चीज नोटिस यही करनी है, गेहूं जो लेना है आपको, जब इसमें गेहूं ऐड करोगे, जो 10 किलो बाजरे का मैंने क्वांटिटी बताई है, उसमें गेहूं आपको भाई मात्र 2.5 केजी लेना है अभी, ठीक है ना, मात्र 2.5 केजी, ज्यादा से ज्यादा 3 कर लेना, इससे ज्यादा मत करना भाई, ठीक है। दाना धोने का तरीका वही है जो जोड़े वालों में बताया मैंने, सेम टू सेम पानी में डालो हैंड टू हैंड और मसलो और निकाल लो, 2-3 दिन सुखाएं अच्छे से दाने को, उसके बाद में अपने कबूतरों को दाना ये चुगाना है आपको, ठीक है ना भाई। तो ये देखो मैंने भी अभी 2 ज्यादा दिन का दाना नहीं बनाया है, मात्र ये समझ लो 1 महीने का दाना है ये मेरा, ठीक है। 1 महीने के बाद में इसमें दाना जब एक बार और बनेगा यही वाला, फिर उसके बाद दाने में चेंजिंग होगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि जनवरी और फरवरी आ जाएगी इसके बाद, अभी दिसंबर चल रहा है हमारा, ये 15 जनवरी तक ये जाएगा और उसके बाद 10 जनवरी के पास, फरवरी के पास में जाके दाने में चेंजिंग होगी, ठीक है भाई। तो वो भी चीज़ मैं आपके साथ में शो करूंगा। तो भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।